भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नीचे वालों की समस्याएं नहीं समझ पाते, नीचे वालों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, अपने अनुशासन में ऐसे डूब जाते हैं कि भावनाएं आहत होती हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो मैं क्षमा याचना करता हूं, ये ग्रस्त जीवन का परिवार है, सब कुछ इनको भी नाज है, इनको भी गर्व है, लेकिन कभी कभी इनके भी मन टूट जाते होंगे। कभी व्यवस्थाओं को देखकर, मेरी मजबूरियों को देखकर, मैंने हृदय से इन लोगों के मन तोड़ना नहीं चाहे, लेकिन फिर भी कभी मन में कोई भावनाएं पैदा हुई हों, तो मैं पुलक सागर, जिनकी उम्र मेरे माता पिता के बराबर हैं, मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं कि मुझे क्षमा करें। चाहे सिलवासा की समाज हो, बापी की समाज हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हमारी एक आवाज पे दौड़े आते हैं। ना रात देखते, ना दिन देखते, ना बरसात देखते हैं। कभी कभी जो बड़े होते हैं ना, ऊंचे पद पे बैठ जाते हैं ना, तो वो नीचों का दर्द नहीं समझ पाते हैं, नीचे वालों की समस्याएं नहीं समझ पाते, नीचे वालों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, अपने अनुशासन में ऐसे डूब जाते हैं कि भावनाएं आहत होती हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। मैं पुलक सागर आज यहां बैठे हुए समस्त लोगों से, आचार्य पुष्प दंत सागर का शिष्य भगवान सुमतिनाथ के दरबार में बैठकर सबसे मन वचन काय से क्षमा की याचना करता हूं कि क्षमा मुझे करिए, ये क्षमा आपकी क्षमा ही मेरी मुक्ति है। जब तक कोई क्षमा नहीं करता है, तब तक निर्वाण की यात्रा, बंधन क्या होते हैं, कर्म बंध क्या होता है, किसी का नाराज होना हमारे कर्म बंध में कारण होता है, किसी का दिल टूटना हमारे कर्म बंध में कारण होता है, किसी की भावनाओं को आहत करना हमारे मोक्ष में बाधा बनती है। ये कोठारी जी बैठे, निर्मल जी बैठे हुए हैं, सेठी जी, सभी परिवार बैठा है, मैं इतना ही निवेदन करूंगा। विमल जी संगी जो मुंबई से यहाँ पर आए हुए हैं, ये देवशाले परिवार रात दिन जो भी कहो करने को तैयार हैं, मैं इतना कहूंगा कि तुम मुझे क्षमा करो या ना करो, इतना तो जरूर करना, सच्ची गुरु भक्ति तभी होगी कि तुम सब मेरे मोक्ष में बाधक नहीं बनोगे। ध्यान रखना, तुम्हारी भावनाएं खराब होंगी तो मेरी मोक्ष में बाधा हो जाएगी, तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरा श्रम व्यर्थ चला जाएगा, मेरी तपश्चर्या व्यर्थ चली जाएगी, मेरी साधना व्यर्थ चली जाएगी। कौन चाहता है कि तुम आकर यहाँ पर वाद विवाद हो, कुंभ में नहीं चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई के काम हो, यहाँ पर एक दूसरे को मान अपमान की बातें हो। मालूम है जब कोई खेत लहराता है ना, तो किसान का छाती हृदय से गदगद हो जाया करता है, वह हृदय। जब माली के फूल खिलते हैं तो फूल बाहर नहीं खिलते, फूल उसके हृदय में खिल जाया करते हैं, उसके अंतस में खिल जाया करते हैं। और जब सारे भक्त प्रेम और एकता से जीते हैं ना, तो जितनी खुशी शायद तुम्हारे माता पिता को नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी हम संतों को हुआ करती है। आपस में मिलते हैं, हिलते, कौन कहाँ का है, तुम कहाँ के, ये कहाँ के, पल भर का मिलन है। इस पल भर के मिलन में टीस लेकर मत जाना, अपने अंतस में कोई भावनाएं दुर्भावनाएं लेकर के नहीं जाना। ध्यान रखिए, सबके प्रति एक सा वात्सल्य हुआ करता है, सबके प्रति एक सा आशीष प्रेम देने का मैं प्रयास करता हूं। ध्यान रखना, कभी मन टूट जाए क्षमा करना, मन तो टूट जाता है ना। मैं तो जिनके भरोसे यहां 8-8 महीने रहता हूं, 4-4 महीने से हूं, वो स्टाफ के बच्चे, आप और हम की तो मजबूरी है कि आते हैं चले जाते हैं, हमारे दर्द में, हमारी पीड़ा में, हमारे दुख में, हमारे सुख में 24 घंटे जो बच्चे साथ रहते हैं ना, मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं। सेवा के बाद भी उन पर डांट पड़ती है, सेवा के बाद भी उन पर रोष व्यक्त हो जाता है, मैं पुलक सागर सच्चे हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मैं
क्षमा के इस वातावरण में अपने अंतस को उज्ज्वल करना चाहता हूं। पवित्र, मुझे विश्वास है कि आप एक संत से जुड़ने का मतलब क्या होता है, उसके रास्ते आसान करना। सेवा का मतलब क्या होता है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना। भैया वृत्ति का मतलब हाथ पैर दबाना नहीं होता, भैया वृत्ति का मतलब होता है कि उस संत की राह में कोई कंकर पत्थर नहीं आना चाहिए। सेवा का मतलब, भक्ति का मतलब क्या होता है कि रात दिन भक्ति ये विचार करे कि मेरे गुरु ने जो कठिन मार्ग चुना है साधना का, उनके लक्ष्य में हम बाधक ना बन पाए। ध्यान रखना, साधक बनने का प्रयास करें। बस इतने कहूंगा, मैं जीवन भर कोशिश करूंगा, जीवन भर प्रयास करूंगा कि तुम्हारा मन ना बिगड़ पाए, तुम्हारे मन खराब ना हो पाए। यही मेरे जीवन की साधना हुआ करती है। जो जितना करता है उतना शायद नहीं मिल पाता होगा, लेकिन चिंता मत करो। अभी कह रहे थे ना कि आप 16वें स्वर्ग में होंगे, हम पहले स्वर्ग में होंगे। हम उस पथ के अनुयायी नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि शिष्य बनो आशीष मिलेगा, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। ध्यान रखिए, मुझसे भी पहले तुम्हें प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि मेरे से पहले तुम्हारी मुक्ति हो, मेरे से पहले तुम्हारा मोक्ष हो, मेरे से पहले तुम्हें जीवन की मंजिल मिले। क्योंकि इसलिए कि तुम भोले भाले हो, तुम अपनी मंजिल को नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैं तत्व में लीन हूं, मैं जानता हूं क्या करना और क्या नहीं करना। हे मेरे परमात्मा, इस क्षमावाणी के अवसर पर मैं इतना ही हाथ फैलाकर तुमसे मांगता हूं कि इनको मोक्ष पहले हो जाए, और इनके मोक्ष पाने में मुझे एक दो भाव और लेना पड़े तो लेने को तैयार हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे जीवन का कल्याण पहले हो, तुम्हारे जीवन की मुक्ति की साथ क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, तुम्हें मंजिल पहले मिले, तुम्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। मालूम है, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध मोक्ष के द्वार पे खड़े हो गए, उन्होंने प्रवेश नहीं किया मोक्ष में। बोले क्यों? बोले जब तक एक एक भिक्षु निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है, महात्मा बुद्ध द्वार पर उनका इंतजार करेगा। ध्यान रखना, मान्य सोचना है आपको, यही कहता हूं कि जीवन इतना सहज सरल बने, इतना सहज हो जाए। अभी तो हमको और साधना करना है, अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो मुझे और धीरे चलना है, क्योंकि अभी तो चलने की आहट सुनाई देती है। वो आहट भी सुनाई ना दे तब जीवन का लक्ष्य और सत्य प्राप्त हुआ करता है। हमारे भोले वाले बाबा प्रणीत सागर जी महाराज, आज उनके कारण मैं अकेला नहीं हूं। नहीं बोल पाते तो क्या हुआ, उम्र के अनुसार वे जी रहे हैं। 5-6 साल से मेरे साथ हैं, एक भी दिन उन्होंने मुझे तनाव नहीं दिया, विकल्प नहीं दिया, टेंशन नहीं दिया, अपने में मस्त रहते हैं, अपने आप में। मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वालों में वो क्षमता नहीं होती जो बिना पढ़े लिखे लोगों में भी क्षमता हो जाया करती है। कभी जोर से बोलने का अवसर नहीं दिया, कभी कुछ नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। कौन मुझे आहार दे रहा, कौन नहीं दे रहा, कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा, उन्हें कुछ मतलब नहीं किसी से। आराम से रहना, बटरिंग उन्हें आती नहीं है कि ज्यादा मेरे गुण गाएं, ये सब उनके नेचर में नहीं। लेकिन कह सकता हूं कि एक संत कैसा होना चाहिए, मैंने उनके साथ अनुभव किया है। सादगी से भरा, सरलता से भरा हृदय किसी का है तो हमारे बाबा जी का हृदय हुआ करता है। मैं भी उतनी साधना नहीं जितना वो कर लेते हैं, मैं उन भले दीक्षा में छोटे हैं, पद में छोटे हैं, लेकिन वयोवृद्ध हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, उसके बड़कपन के लेकर के
मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करें। हमारे ब्रह्मचारी लोग बच्चे हैं, छोटे छोटे आए हैं, नए नए करते हैं, साधना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता है ना, जिंदगी लग जाती है इन मंजिलों तक पहुंचने में। मैं उन बच्चों को डांटता भी हूं, कुछ बोल भी देता हूं, मैं आज उनसे भी क्षमा याचना करता हूं कि वह मुझे क्षमा करें। और विगत जितने वर्ष मुझे संन्यास दीक्षा लिए हुए, उतने वर्ष इस उमेश को मेरे से जुड़े हुए हो गए, इसे मंच पे लाना, बोलना, सिखाना, सब कुछ किया और सब कुछ करता है। और इस बार तो मेरा मन भी नहीं था कि यहाँ आए, लेकिन उसने कहा 2 साल हो गए, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा तू कहीं और देख ले, तो बोले मैं यहाँ पर प्रोफेशनल के रूप में नहीं आता, आपका भक्त बन करके मैं यहाँ पर आया करता हूँ। उसको भी मैं क्षमा याचना पूर्वक सभी को क्षमा करता हूँ, सभी से क्षमा चाहता हूँ। ये कैसा धर्म है अपना, यहाँ क्षमा मांगी जाती है, दूसरी जगह तो धन दौलत रुपया पैसा मांगा जाता है, हमारे धर्म में क्षमा मांगी जाती कि क्षमा कर दो। इससे अच्छा कोई धर्म होगा दुनिया में, जिंदगी में? मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी बिल्कुल हल्के मन से जाना, दिमाग से सब बोझ उतार करके जाना। 10 दिन में जो शिवरात्रि बैठे रहे, भूल जाना ये सब चीजें कि कौन चढ़ा स्टेज पे, कौन नहीं चढ़ा, किसका नाम आगे, किसका नाम पीछे, इन दुनिया के प्रपंचों में कुछ नहीं रखा है। ध्यान रखना, मैं आज सबको, सभी के दामन में, भगवान सुमतिनाथ से लेकर आप सबके दामन में जो तुमने साधना की है उसके पुण्य का प्रसाद भर करके लौटा रहा हूं कि आप जाइए, यहां से जब जाए तो पुण्य की गठरी बांध करके जाए, पाप की गठरियों को यहीं फेंक करके जाएं, जीवन सार्थक होगा। विनोद जी ने कहा कि मेरा अंत में समाधि मरण हो, तो ये भावनाएं सतत बनी रहना चाहिए, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। समाधि मरण कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, भावनाएं पवित्र रहेंगी तो जरूर हुआ करता है। और फिर तो तुम उस खानदान और परिवार से जुड़े हो जहाँ बड़े बड़े आदमी बनने की होड़ नहीं, यहाँ सन्यासी बनने की होड़ लगा करती है, बैरागी बनने की होड़ लगा करती है, तपस्वी बनने की होड़ लगा करती है। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ सभी लोगों को, सभी को मन से क्षमा करता हूँ, क्षमा याचना देता हूँ, जैन धर्म की पवित्रताएं हम सबके जीवन में आए। और अंत में यही कहूँगा कि पर्युषण आज पूर्ण हो चुके, बिना क्षमा से शुरू हुआ और क्षमा पे समाप्त हो जाया करता है। क्षमा हमारी मंजिल है, पहला कदम भी वही है और अंतिम मंजिल भी वही होता है। तो उत्तम क्षमा से शुरू हमारा धर्म क्षमा वाणी पर विराम को प्राप्त करता है। लेकिन एक बात याद रखना, पर्युषण कब आए कब गए, इसका तिथियों में तो पर्युषण हर साल आता है, लेकिन हृदय में पर्युषण आना चाहिए। एक बार आ जाए तो दोबारा फिर पर्युषण कभी जाता नहीं है। तारीखों में तो हर साल आएगा, जीवन में पर्युषण आना चाहिए। क्षमा वाणी ये तारीखों में हर वर्ष आएगी, हमारे स्वभाव में क्षमा आना चाहिए, तो वह क्षमा आप सबके हृदय में अवतरित हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।